नाउ इसका मीटिंग जो हम हर साल करते हैं, इसमें हम बेसिक्स से लेके ये जो भी सर्जन यहाँ पर आते हैं, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन उनका ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो, या वो डिप्लोमा होल्डर हैं या डिग्री होल्डर हैं, पर मिनिमम क्वालिफिकेशन वो है। तो जो एडवांस चीज़ें होती हैं, सब स्पेशलिटी है ये, ऑर्थोपेडिक का एक सब स्पेशलिटी है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट मतलब हिप नी रिप्लेसमेंट, हिप का बॉल चेंज करना या नी का कटोरी चेंज करना जो बोलते हैं, हिप या नी रिप्लेसमेंट जो कॉमन चीज़ है, उसको हम बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक टिल अभी आज के तारीख में टेक्नोलॉजी, जैसे बताया डॉक्टर साहब ने, अजीत ने, कि रोबोटिक सर्जरी, तो एक एक चीज़ पर डिस्कशन होता है। अभी ये डिस्कशन बेसिक से लेके एडवांस चीज़ों तक होता है, और उसमें जो भी नए यंग सर्जन हैं उनको हम प्रोत्साहन देते हैं कि वो ये सब चीज़ें सीखें। उसका कारण ये है क्योंकि ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जो कि उनको सीखना है और सोसाइटी में और इंडियन पेशेंट्स में उसको अप्लाई करना है। अगर वो अच्छे सर्जन नहीं बनेंगे डिस्कशन करके, तो रिजल्ट्स बराबर नहीं होंगे। और ये जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, पैर का, घुटने का और हिप का ऑपरेशन एकदम दिखता है, ये ऐसा दूसरा सर्जरी नहीं है कि पेट का ऑपरेशन कर दिया कुछ दिख नहीं रहा, रिजल्ट इमीडिएटली समझ में आता है और पेशेंट को तकलीफ होती है, इसलिए उनका ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस ट्रेनिंग के हमारे पास काफ़ी फैसेट्स हैं, कि एक फैसेट ये हुआ कि हम एक बड़ा कॉन्फ्रेंस करते हैं, दूसरा फैसेट ये है कि हमारे पास काफ़ी फेलोशिप्स हैं, जिसमें कि ये जूनियर डॉक्टर्स को हम करीब 15-20 फेलोशिप हमारे पास, हम कुछ फेलोशिप में इनको दूसरे कंट्रीज़ में भी बाहर भेजते हैं हमारे एसोसिएशन के थ्रू, जहाँ पर वो जाके वो एक्सपीरियंस सीनियर सर्जन्स के साथ ऑपरेशन थिएटर में स्क्रब होके प्रैक्टिकल नॉलेज सर्जरी कर लेते हैं। दूसरा चीज़ जो इंडियन फेलोशिप्स हैं, जहाँ के इंडिया के जो अच्छे अच्छे सेंटर्स में सीनियर एक्सपीरियंस सर्जन, वहाँ पर ये हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से जो भी हम सिलेक्ट करते हैं 15-20 लोगों को, वो साल में जाके उन सर्जन्स के पास जाके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑपरेशन की लेते हैं और सीखते हैं। हम कुछ कैडेवर कोर्स भी करते हैं, जो कि रिकॉग्नाइज कैडेवर कोर्स मेडिकल कॉलेज वगैरह में, कोई ऑपरेशन करना है तो उनको हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कैडेवर पे भी देते हैं। हम काफ़ी टेक्नोलॉजी करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे वेबिनार्स करते हैं, और ये एसोसिएशन जो है यंग सर्जन्स को काफ़ी प्रोत्साहन देता है, क्योंकि क्या है कि हम सीनियर लोग तो है अभी, हम लोग करके निकल जाएंगे, पर अगर हम नेक्स्ट जनरेशन को सिखाएंगे नहीं, नेक्स्ट पीढ़ी को हम सिखाएंगे नहीं, तो इस एसोसिएशन का लीडरशिप और इसमें एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी रिसर्च कैसे होगा। हम लोग पेपर्स भी पब्लिश करते हैं, हम लोग काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, हमारा वेबसाइट है, हमारा अच्छा मेंबरशिप है, तो हम इस सब चीज़ों से लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और नॉलेज जो है वो इसको सबको देने में, पूरा कंट्री हमारा बहुत बड़ा, बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत सारे सर्जन हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को आपको लगता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी किसी को बोला किसी डॉक्टर ने, तो लोग डरने लगते हैं, अरे घुटना चेंज होगा तो अच्छा तकलीफ नहीं होगा, तो वो तकलीफ नहीं होना चाहिए पेशेंट को, और अच्छा सर्जरी होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्जन एक्सपीरियंस आदमी को आएगा तो नेचुरली रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा होगा और समाज को फ़ायदा होगा। हम लो कॉस्ट सर्जरी की भी बात करते हैं हमारे कंट्री में, जैसे कि लो कॉस्ट सर्जरी कुछ कंपनीज़ हैं जो कि इंडिया में आके यहाँ पर इंडिया में इम्प्लांट बनाते हैं, वो FDA अमेरिका से अप्रूवल लेके आते हैं, उनका लो कॉस्ट भी है, तो हमारे जो लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के जो पेशेंट्स, उनके लिए भी हम किस तरह से हमको सर्जरी करने चाहिए, क्या डिस्कशंस है, पेन फैक्टर कैसे होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे हज़ारों चीज़ें जिसको हम डिस्कशन करके लोगों को सिखाते हैं। काफ़ी इंटरेक्टिव कॉन्फ्रेंस होता है, एक्सपीरियंस सर्जन से लेके एब्सोल्युटली न्यू ब्रांडेड जो पास आउट हुआ उस सर्जन को हम यहाँ सिखाते हैं। तो पहले क्या था कि टेक्नोलॉजी भी उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, अभी टेक्नोलॉजी भी एडवांस है, पहले इंस्ट्रूमेंटेशंस भी अवेलेबल नहीं थे, अभी भी अवेलेबल हैं, ट्रेंड सर्जन्स नहीं थे हर जगह पे, अच्छे हॉस्पिटल अच्छा सेटअप भी होना बहुत ज़रूरी है, एक टीम वर्क होना अच्छा ज़रूरी है, अच्छे बड़े ऑपरेशन थिएटर होना भी ज़रूरी है, कि अगर 70 साल के पेशेंट को फ्रैक्चर हो गया तो उसके सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छा एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, अच्छा हॉस्पिटल होना ज़रूरी है, ICU बैकअप ज़रूरी है, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो मटेरियल और टेक्नोलॉजी है अभी वो इंडिया में भी बनता है। एक ज़माने में जो बहुत काफ़ी कॉस्टली था, स्पेशली फ्रैक्चर की जो आप बात कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे मटेरियल जो कि इंटरनेशनल क्वालिटी को मैच करते हैं, मटेरियल प्लेट्स स्क्रूज या जो भी आप बोलें वो, उसको बना लगाने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, सारे चीज़ें बहुत अच्छे से हमारे कंट्री में बनते हैं और कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए हमारे पेशेंट्स को फ़ायदा होता है। जो सेम चीज़ जो हमने जॉइंट रिप्लेसमेंट की ट्रेनिंग में बोला, हम ट्रॉमा या फ्रैक्चर के पेशेंट्स को भी ऐसे अलग अलग एसोसिएशन हमारे ट्रॉमा के भी हैं फ्रैक्चर के भी, जो कि जूनियर सर्जन्स को ट्रेनिंग देते हैं और कैसे अच्छे से अच्छा रिजल्ट आ सके, फेलियर ना हो, पेशेंट चल फिर सके, कोई डिफॉर्मिटी ना हो, टेढ़ा ना हो, इन्फेक्शन हो, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हम सिखाते हैं जूनियर सर्जन को और उससे पेशेंट्स लोग को फ़ायदा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं ट्रेनिंग देखो ऐसे तो वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ले ही रहे हैं,
ये कुछ लोग अपने आप को ब्रशिंग करने आते हैं, थोड़ा सा बनता है पर उसको और थोड़ा सा पॉलिशिंग कर दिया। कुछ लोग जो होते हैं कि हमको कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर भी फैकल्टी में भी कम से कम 100-150 फैकल्टी होंगे यहाँ पर, तो 100-150 फैकल्टी को अभी कोई यहाँ पर जूनियर बच्चा है, उसने मेरे से बात की कि सर हमें आपके साथ 6 महीने काम करना है, तो उनके साथ जाते हैं वो लोग, तो जाके पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं, उनके साथ काम करते हैं एज ए जूनियर डॉक्टर। तो ऐसा है कि प्रैक्टिकली हर आदमी को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर क्या है जहाँ से भी वो पास आउट हुए हैं इंडिया में, हर मेडिकल कॉलेज में आप देखें कितने सारे एम्स जो आजकल खुल गए हैं पूरे कंट्री में, पहले नहीं थे, गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ दे रही है, जितने भी कॉलेज आए तो वहाँ पर भी अच्छा ट्रेनिंग होता है, पर यहाँ थोड़ा सा रिफाइनमेंट भी उनका हो जाता है और वो पर्सनल ट्रेनिंग भी हर डॉक्टर के पास या हर प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल कुछ फेलोशिप्स होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं ट्रेनिंग के, 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के, वो लोग करते हैं। कुछ लोग यहाँ से ट्रेन होकर बाहर भी जाके फेलोशिप्स वगैरह करके आते हैं, अपने आप को ट्रेन करते हैं। तो क्या जो टीचिंग का और लर्निंग का कोई एज और फेज़ नहीं होता है, ये तो थ्रू आउट द लाइफ चलता है, आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतने अच्छे आप सर्जन बने। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजित कुमार है, मैं इंडियन आर्थ्रोप्लास्टी एसोसिएशन का इस साल का प्रेसिडेंट हूँ और हर साल की तरह इस बारी ये कॉन्फ्रेंस भुवनेश्वर में हो रहा है और इस कॉन्फ्रेंस में 500 से भी अधिक डेलीगेट्स रजिस्टर हुए हैं और 8-10 फॉरेन फैकल्टी अलग कंट्री से आए हुए हैं एंड बहुत बढ़िया प्रोग्राम साइंटिफिक कंटेंट जो है उधर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में ऑर्गेनाइज किया है और जैसा बताया कि ये मेनली फोकस्ड ऑन यंगर सर्जन्स, मेनली उनको ट्रेनिंग टीचिंग और उनका स्किल्स बढ़ाने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स करते रहते हैं एंड यहाँ पे साइंटिफिक प्रोग्राम में ना लाइव कैडावरिक वर्कशॉप भी हुआ है शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी एंड हिप रिप्लेसमेंट के बारे में, इसी तरह लाइव सर्जरीज भी चल रहे हैं, आज मेरे ख्याल से कम 5 लाइव सर्जरीज हुए हैं और इस तरह बाय द एंड ऑफ टुमारो 7-8 लाइव सर्जरीज होने वाले हैं। तो इस तरह से जूनियर सर्जन्स को एक तरीके से तो उनको कॉन्फिडेंस भी आता है, दूसरी तरीके से उनको टिप्स एंड ट्रिक्स जो है फाइनर पॉइंट्स जो सीखना है वो भी मिलता है एंड उसके सिवा इस एसोसिएशन में यंग सर्जन्स को फेलोशिप्स देती है, साल में तकरीबन 15-16 फेलोशिप्स हैं और बाकी जगह जो फॉरेन फेलोशिप्स भी है इसमें एंड साल भर ये कॉन्फ्रेंस अलावा हम लोग टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम जारी रखते हैं, जैसा कि छोटे शहरों में जाके हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स करते हैं, बड़े शहरों में जहाँ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे कैडावरिक कोर्सेज, जैसे इस साल 5 कैडावरिक कोर्सेज हुए हैं, तो इस तरीके से देश के हर कोने कोने में आर्थ्रोप्लास्टी का आर्ट एंड साइंस जो है उसको हम बढ़ावा देते हैं ताकि जैसा बताया गया ताकि पेशेंट्स को फ़ायदा हुआ होगा एंड अच्छी तरीके से रिजल्ट्स भी होने लगेंगे लॉन्ग टर्म में। ईजी बेसिकली द प्रिंसिपल्स जो है बाय एंड लार्ज सेम रहता है, लेकिन कई टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी नया निकलता है, जैसा आप आजकल सुने होंगे कि रोबोटिक्स बड़ा फैल गया, हर गांव-गांव में फैल गया जैसा बताते हैं, तो ये नया तरीका है और काफ़ी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है एक तरीके से, लेकिन वो सीखना और सिखाना हमारी जिम्मेदारी है और जो भी सेंटर्स में ये अभी अवेलेबल है, जैसा इंडिया में आई थिंक इट इज़ द सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट फॉर रोबोटिक्स इन द वर्ल्ड आई थिंक, और मे बी द थर्ड, सो एवरी सिटी में सर्जन्स आर अडेप्टिंग दिस टेक्नोलॉजी, खुद सीख रहे हैं और ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में और वर्कशॉप्स में खुद सिखा रहे भी जूनियर्स को। तो हालांकि रोबोटिक्स नया नया निकला है, 4-5 सालों में इंडिया में ISO है, लेकिन अभी हर शहर में सर्जन जानता है कि दिस इज़ अ न्यू थिंग टू लर्न टू अडेप्ट इट सो दैट द पेशेंट्स हैव अ बेटर बेनिफिट फ्रॉम दैट। तो इसी तरीके से रोबोटिक्स एक अलग चीज़ है, इंस्ट्रूमेंटेशन अलग आता है, डिज़ाइंस अलग आते हैं, तो जो भी इंडिया में मार्केटिंग हो रहे हैं तो इट इज़ अवेलेबल
एंड सब लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ जाके या उनको यहाँ बुला के हम लोग सिखाते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं। ये जो कर्मशाला आमर हुए, आमर प्रत्येक वर्ष थरे थरे हुए, डिफरेंट जगह रे हुए। आउ यही कर्मशाला रो मेन उद्देश्य है आमर जो यंग सर्जन मैंने अच्छा, यंग डॉक्टर मैंने जो मैंने आसने सोसाइटी आसमु आमको सबुठ बेस्ट ट्रेनिंग दे कि छाड़ा से मैंने जहाँ शिखुचर ट्रेनिंग प्रोग्राम रे सेटा तो नॉर्मल आमर रेगुलर शिखुंट किंतु प्रत्येक वर्ष प्रत्येक टाइम रे जोड़ा नुआ नुआ जिनस सब आडभांसेस आसूची से आडभांसेस गुड़ा जानवापी आमर मेन सोर्स है यही एकेडमिक प्रोग्राम आमर प्रथम थरपाई यही वर्ष आम गोटे कैडबरी वर्कशॉप करूँ जोटा कि डॉक्टर तन्मय महांती आमर ऑर्गेनाइज करते किम्स हॉस्पिटल रे आई कैडबरी वर्कशॉप मैंने डेड बॉडी रे आमर ट्रेनिंग दिया डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर उपर जोटा कि सबुठ जदि देखिए सबुठ आडवांस्ड मेथड ऑफ सर्जिकल मेथड आईटा शिखिला परे आमर जो यंग डॉक्टर मैंने अच्छा से सोसाइटी को जिबे ताले आमर जो गरीब पेशेंट मैंने डिफरेंट आमर स्कीम रे आसुचंती गवर्नमेंट स्कीम रे से माने सबुठ बेसी लाभ पाइबे यही सर्जिकल मेथड रे से आम देखा आग को देखा मिलिबो जे यही सब प्रोसीजर गुड़ा आउ समस्त मानने समस्त हाथ पांतरे रहिबो जितने बहुत जन शिखि लोक शिखि डॉक्टर मैंने सोसाइटी को जिबे से मानने एव्री डिफिकल्ट सर्जरी जो सर्जरी रे टेक्नोलॉजी दरकार पड़ी आउ टेक्निक डिफरेंट टेक्निक दरकार पड़ी से टेक्निक रे आमे जितने से माने करिबे से गरीब टू गरीब लोक भी ये लाभवान पाइबे तो यह आम गोटे ही उद्देश्य लोक मैंने जमी लाभवान हूँ। मु डॉक्टर देवव्रत पाढ़ी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी यही कॉन्फ्रेंस रो आईएकन 2024।